नमस्कार, वेब दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में कई प्रतियोगिताओं के आयोजन, स्कूल में विज्ञान कला एवं शिल्प प्रदर्शनी का हुआ आयोजन और कुपोषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर में। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान में जलवायु परिस्थितियों और अन्य कारकों के कारण ब्लैक टॉप सड़कों के लगातार रखरखाव को ध्यान में रखते हुए अंडमान तथा निकोबार प्रशासन ने दक्षिण अंडमान जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 32 किलोमीटर लंबी व्हाइट टॉपिंग सड़कों को शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। प्रस्तावित सड़कों में से एक तुसनाबाद कॉलिनपुर सड़क का हिस्सा है। सड़क के डिजाइन की जांच नई दिल्ली स्थित CRRI द्वारा की जाएगी। आयुक्त नंदिनी पालीवाल ने सचिव पूर्वा गर्ग, APWD के मुख्य अभियंता इंजीनियर TK प्रिजित रेख और APWD के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रस्तावित सड़क का दौरा किया। आयुक्त ने वार्षिक कार्य योजना के तहत शुरू की जाने वाली सड़कों का भी दौरा किया, जिसमें तिरुर कोलिनपुर सड़क, NH4 से बदमाश पहाड़ सड़क शामिल है। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने मुख्य सचिव द्वारा तय किए गए प्रस्तावित सड़क में सड़क डिजाइन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई गतिविधियां आयोजित किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से मोहनपुरा स्कूल में टेबल टेनिस प्रतियोगिता, नेताजी स्टेडियम के बहुउद्देशीय सभागार में बैडमिंटन प्रतियोगिता, मॉडल स्कूल में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दक्षिण अंडमान उप शिक्षा अधिकारी की ओर से आज राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अंतर स्कूल स्पोर्ट्स क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप शिक्षा अधिकारी संगीता चांद मुख्य अतिथि थी। सबसे पहले खेल दिवस के उपलक्ष्य में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के आयोजन के बारे में बताया गया। मोदी के जादूगर के नाम से जाने जाते थे, हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते थे, उसी के उपलक्ष्य में डिप्टी एजुकेशन ऑफिस साउथ अंडमान की तरफ से हर वेन्यू में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कराए जा रहे हैं और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इंटर स्कूल क्विज कॉम्पिटिशन के लिए। उप शिक्षा अधिकारी संगीता चांद ने प्रतियोगिता के प्रतिभागी विद्यार्थियों को संबोधित किया। स्कूल्स टू पार्टिसिपेट इन इंटर स्कूल क्विज कॉम्पिटिशन रिगार्डिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एंड इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड अ थॉटफुल प्रोसेस बाय डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, स्पेशली डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर साउथ अंडमान हु हैव कम फॉरवर्ड विद दिस इनिशिएटिव इनोवेटिव आइडिया अबाउट ऑर्गेनाइजिंग क्विज कॉम्पिटिशन on sports day. In this quiz competition, whether anybody wins or loses, but one thing we are going back today with lots of knowledge, information and insights on sports activities, and let's spread this awareness among all the students throughout the UT that sports has to be a part of integral part of our life. It not only keeps our body healthy, but also sharpens our brain. इसके बाद प्रतियोगिता शुरू हुई। विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों की टीम ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इसी कड़ी में मोहनपुरा स्कूल में भी आज टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूल की प्रधानाचार्य मुख्य अतिथि थी। अपने संबोधन में उन्होंने प्रतियोगिता के लिए सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए। 29th August is celebrated as the birthday of Major Dhyan Chand. His contribution is a lot that he has served the nation as well as participated in hockey. He is a king of the hockey. तो मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे आज एग्जाम होने के बावजूद आप लोग अपना प्रेजेंस दिए
तो एकेडमिक के साथ साथ जो को करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत जरूरी है, और स्पोर्ट्स तो खास करके कि एक हेल्दी जब बॉडी रहता है तो हेल्दी माइंड भी रहेगा, और आपका जो सर्वांगीण विकास होगा उससे क्या है कि आप अच्छा से पढ़ लिख भी सकेंगे। तो ये जो प्रोग्राम है स्पोर्ट्स का, आज ये बीएससी लेवल में जो ऑर्गेनाइज किए हैं, जितने भी हमारे टीचर्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, कमिटी मेंबर्स हैं, सभी को हम शुभकामनाएं देते हैं। मुख्य अतिथि ने टेबल टेनिस खेलकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। नेताजी स्टेडियम के बहुउद्देशीय सभागार में भी राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में उप शिक्षा अधिकारी की ओर से अंतर विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों से विद्यार्थी खिलाड़ी ने हिस्सा लिया। पोर्ट ब्लेयर के उम्मत पब्लिक स्कूल में विज्ञान कला शिल्प प्रदर्शनी इकोज ऑफ इमेजिनेशन का आयोजन किया जा रहा है। दो दिवसीय इस प्रदर्शनी का शुभारंभ आज अस्टिनाबाद के उम्मत पब्लिक स्कूल में हुआ। इस अवसर पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भातुबस्ती के प्रधानाचार्य दासन पुष्पराज मुख्य अतिथि थे। उन्होंने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि ने उम्मत पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए और प्रदर्शित ज्ञान परख मॉडलों का अवलोकन किया और उनसे बातचीत की। इसके बाद आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के अलावा खालसा पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्या डॉ. सरबजीत कौर जगपाल, सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्या, भातुबस्ती राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की विज्ञान विषय की शिक्षिका तेरेस पाक्यम, अन्य शिक्षक, विद्यार्थी और उनके अभिभावक तथा उम्मत स्कूल के करेस्पॉन्डेंट उपस्थित थे। सबसे पहले उम्मत पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य ने मुख्य अतिथि सहित सभी का स्वागत करते हुए इस प्रदर्शनी के आयोजन के बारे में अपने विचार रखे। स्पेंड सम टाइम विद हर्स एंड दिस टाइप ऑफ इवेंट्स रियली गिव अ चांस टू आवर स्टूडेंट्स टू हाईलाइट देयर इमेजिनेशन एंड देयर एबिलिटीज देयर स्किल मे बी दे कम टू अंडरस्टैंड देयर पैशन विच कैन बी also guiding them for their future dreams. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि भातुबस्ती राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य दासन पुष्पराज ने प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों ने बेहतर मॉडलों को प्रस्तुत किया है।
I am highly privileged to be here with you all to witness such a grand exhibition in this academic session. Today is a very important day in my life. Actually, after took over the chair of the principal government senior secondary school Bathibasti, this is the first program in which I am the chief guest of this school. Actually, science exhibition is nothing but a platform where creativity, innovation and knowledge converge. Today we witnessed various exhibits. The students performed very well. I would like to congratulate this management system to bring such a great interest among the children. समारोह के बाद विद्यार्थियों ने दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर को अपने द्वारा तैयार किए गए मॉडलों के बारे में जानकारी दी. कनेक्टेड इन अ सिंगल केबल बट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्स इन अ ज़िगज़ैग मैनर. सेकेंडली वी हैव स्टार टोपोलॉजी. इन स्टार टोपोलॉजी देयर इज अ सेंट्रल डिवाइस नोन एज हब. द हब ट्रांसमिट्स द डेटा इन ऑल द डिवाइसेस. एट लास्ट वी हैव रिंग टोपोलॉजी. इन रिंग टोपोलॉजी all the information gets transferred in a circular manner. Today we are presenting the project types of network. First is LAN, MAN and WAN. These are the types of networks. LAN is a local area network which transfers data from building to building, and this is metropolitan area network which transfers data from one city to another city. And last is a WAN, that is wide area network, which transfers data in a geographical area that is continent to continent or country to country. This is my project solve puzzle. You have to test your knowledge within the given period of time. Thank you. जन्माष्टमी के अवसर पर कल पोर्ट ब्लेयर और आसपास के विभिन्न मंदिरों और अन्य प्रतिष्ठानों में विशेष पूजा कार्यक्रम का आयोजन हुआ. श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. पेश है एक रिपोर्ट. पोर्ट ब्लेयर के हैडो स्थित श्री कृष्ण मंदिर में धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई गई. श्रद्धालुओं ने बालक कृष्ण को झूले में झुलाया और पारंपरिक तरीके से पूजा पाठ किए. इस अवसर पर मंदिर के समिति सदस्य और वार्ड पार्षद सोमेश्वर राव ने लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी. जय श्री कृष्ण. मैं और मेरे वार्ड नंबर 2 के वासी और लॉर्ड श्री कृष्णा टेम्पल के कमेटी की तरफ से सभी को कृष्ण जन्माष्टमी का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. खास करके बताने वाला बात यह है कि 71 ईयर्स हो गया है मंदिर को. इतना पुराना मंदिर है और 71 इयर्स में अभी ये लोग 2 साल हुआ नया यूथ कमेटी लेने के बाद, और 70 साल में अन्नदानम भी नहीं हुआ था. फर्स्ट टाइम में अन्नदानम शुरू किया है पहला बार, और अन्नदानम बहुत ग्रैंडली करे हैं और बहुत सारा भक्त लोग आए हैं. बहुत सारे डोनर्स बहुत बढ़ चढ़ के इनको साथ दिया है. हम अपने कमेटी की ओर से पूरे अंडमान वासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं. जैसे कि हम इस मंदिर में कई सालों से पूजा बना के आ रहे हैं, इस साल ये 71st ईयर है जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर कृष्ण मंदिर में. हमारा जो कमेटी का तरफ से सर, हम लोग मैक्सिमम बच्चों लोग के लिए बहुत सारा कॉम्पिटिशन रखे हैं. स्पीच कॉम्पिटिशन, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, अदरवाइज अभी उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी कल होगा सर. अगले दिन भक्तों के लिए अन्नदानम की व्यवस्था भी की गई. जंगली घाट के राधा कृष्ण मंदिर में भी जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई. कल मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई.
लोगों ने मंदिर में पूजा पाठ किए और बालक कृष्ण को झूले में झुलाया। इस दौरान यातायात की भी व्यापक बंदोबस्त की गई। पोर्ट ब्लेयर के चिन्मय मिशन में श्रद्धालुओं ने बालक कृष्ण के जन्म को मनाया। उपस्थित लोगों ने बालक कृष्ण का स्वागत किया। इस दौरान विधि विधान के साथ पूजा पाठ हुआ। मिशन के आचार्य शुद्धानंद सरस्वती ने दूरदर्शन केंद्र को जानकारी दी। हरिओम, सभी द्वीपवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, अधर्म के नाश के लिए और धर्म की संस्थापना के लिए। भगवान ने भगवद गीता में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य ददात्मानं रजाम्यहम्। कि हे अर्जुन, जब जब अधर्म की हानि होती है और धर्म का नाश होता है, तो धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार अपने आप को प्रकट करता हूँ। डेयरी फार्म के मंदिर में भी दक्षिण भारतीय तरीके से जन्माष्टमी मनाई गई। बालक कृष्ण का वहाँ पर स्वागत हुआ और भजन कीर्तन एवं आरती का भी आयोजन हुआ। जय श्री कृष्ण। अंदर के मंदिर जन्माष्टमी शुभाकांक्षलु। చక్కగా డైరీ ఫామ్ రాధాకృష్ణ ఆలయ ప్రాంగణంలో ముచ్చటగా 3 రోజులు శ్రీ రాధాకృష్ణ స్వామివారి జన్మాష్టమి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతుంది. మొన్ననే శ్రీ పెద్ద పుష్కర కుమార్జీ జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ రోజు మరలా జన్మాష్టమి ఉత్సవంలో భాగంగా ఈరోజు చాలా విశేషంగా కూడాను తులాభారం అని జరిగింది. అన్నమానంలో మొట్టమొదటిసారిగా జరిగే తులాభారం అనేది శ్రీకృష్ణ ఆలయ పుష్కర కుంభాభిషేకం 3 రోజులు ఘనంగా జరిపిన 5 రోజులు ఘనంగా జరిపిన పిమ్మట మనకు మొదటిగా ఈ జన్మాష్టమి వేడుకలు చేసుకోవడానికి సౌభాగ్యం అందరికీ దొరికింది. ఈ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి నిన్న చాలా చక్కగా హుందాగా చేసుకున్నాం. సమాజ కళ్యాణ నిదేశాలయ పూరే ద్వీప్ సమూహ మే 1-30 సితంబర్ తక్ రాష్ట్రీయ పోషణ మహా మనాయేగా. ఇస్ మహా మే కుపోషణ సే నిపటనే కే లియే వ్యాపక జాగరూకతా కార్యక్రమో కే ఆయోజన్ హోంగే. पोषण माह का मुख्य मकसद गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था सहित महत्वपूर्ण मानव जीवन चरणों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इस दौरान एनीमिया, विकास निगरानी, पूरक आहार, पोषण भी, पढ़ाई भी, बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, जनजातीय, पारंपरिक, क्षेत्रीय एवं स्थानीय आहार प्रथाओं जैसे विषयों को कवर करने वाली संवेदनीकरण गतिविधियां आयोजित की जाएगी। पोषण माह के दौरान सभी से सहयोग करने की अपील की गई है। पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा ने जन्माष्टमी के अवसर पर द्वीपवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये पावन अवसर हमारे द्वीप समूह के लोगों में शांति, समृद्धि और भाईचारे की भावना को लेकर आए। उन्होंने कहा कि इस जन्माष्टमी के अवसर पर हमें मानवता, सत्य, धार्मिकता और निस्वार्थता के मूल्यों को नवीनीकृत करने की जरूरत है। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। आप दूरदर्शन के नेशनल चैनल को टाटा प्ले पर 114 नंबर पर, एयरटेल पर 148 नंबर, सन पर 302 नंबर, हैथवे पर 40, डीटीएच पर 175, डेन पर 138, डिश पर 193 और फ्री डिश पर 2 नंबर चैनल पर देख सकते हैं। ब्रेक के बाद द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाएगा। इस सिलसिले में प्रशासन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से वर्चुअल मोड पर सेव ओजोन लेयर विषय पर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। विद्यार्थी संबंधित विषय पर पोस्टर बनाकर उन्हें 12 सितंबर तक व्हाट्सएप नंबर 9474213985 पर भेज सकते हैं।
प्रतियोगिता के लिए एक विद्यार्थी को केवल एक प्रविष्टि की अनुमति होगी। प्रतिभागियों को पोस्टर के निचले हिस्से की दाई ओर अपने नाम, कक्षा, स्कूल व कॉलेज और संपर्क संख्या लिखना होगा। विजेताओं को टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में आयोजित होने वाले समापन समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। खेल एवं युवा मामलों के विभाग ने कल पोर्ट ब्लेयर में 17 उम्र तक के लड़कों के लिए अंडमान केरल ट्रॉफी फुटबॉल मैच का आयोजन किया। अंडमान की टीम और केरल की टीम ने कल फुटबॉल मैच खेले। मैच को देखने के लिए स्थानीय खेल प्रेमी स्टेडियम में उपस्थित रहे और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। कल खेले गए मैच में अंडमान की टीम ने केरल को 3-0 से पराजित किया। ये दर्शाता है हमारे क्षेत्र में, हमारे अंडमान आइलैंड्स में किस अंदाज से खेलते हैं, किस अंदाज से प्रैक्टिस करते हैं। सभी बच्चे कहीं ना कहीं हमारे बनाने में हमें देता है, खेल की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और मौका है अंडमान के पास एक बार फिर अच्छी गेंद गिराई है साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन बेहतरीन भूमिका की वहां पर लगी है। इसी के साथ 2-0 के साथ, 2-0 की बढ़त दिलाई है टीम अंडमान निकोबार के खिलाड़ी इस मुकाबले में 2-0 के साथ आगे बढ़ते हुए टीम अंडमान निकोबार आईलैंड्स। तो इसी के साथ पहले विजय की और 3-0 के साथ टीम अंडमान निकोबार आईलैंड्स ने शुरुआत करना किया है। इस अवसर पर अंडमान निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुदीप राय शर्मा ने द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल और मुख्य सचिव से द्वीपों में खेलों को बढ़ावा देने और खेल के लिए अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराने का आग्रह किया। आप लोग सब जानते हैं कि आज अंडमान निकोबार आइलैंड में ड्रग्स का बहुत ज्यादा प्रभाव हो चुका है, जो अधिकतर यूथ उस तरफ डाइवर्ट हो चुके हैं, जिसके वजह से उनका मानसिक सोच, उनका फिजिकल डेवलपमेंट, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको मेहनत करने का काबिलियत सब वो खो चुके हैं। तो हमारे जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं फुटबॉल एसोसिएशन के, हम ये प्रयास करते हैं कि उनका माइंड डाइवर्ट करें। अगर उनका माइंड स्पोर्ट्स में डाइवर्ट करे, कोई भी स्पोर्ट, नॉट ओनली फुटबॉल, अगर युवा पीढ़ी का ध्यान स्पोर्ट्स में आए तो ये सब चीज से वो दूर हो जाएंगे। और मैं खास तौर से हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा
कि सर आप लोगों से रिक्वेस्ट है सर कि काइंडली स्पोर्ट्स में सर थोड़ा आप लोग तो ध्यान देते हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब है केशव चंद्र साहब, वो खुद एक स्पोर्ट्समैन है, वो डेली लॉन्ग टेनिस भी खेलते, इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी वो अपना बराबर खेल में अपना रुचि रखते हैं। तो सर मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर आप लोगों से कि सर काइंडली थोड़ा फंड हम लोग को दीजिए ताकि हम ये यंग जनरेशन को इस मुसीबत से जो ड्रग्स का चुंगल में फंस गए हैं सर, अगर सर आप लोगों का सहयोग होगा तो सर हम आपसे वादा करते हैं सर कि काफ़ी हद तक का यूथ को सर हम मोटिवेट करके उनको सही रास्ते में लाएंगे सर। अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी बाराटांग सुराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय सुराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे सुराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी हटबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप सुराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से सुराज द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी हटबे सुराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे सुराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप होते हुए सुराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे सुराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में कई प्रतियोगिताओं के आयोजन। स्कूल में विज्ञान कला एवं शिल्प प्रदर्शनी का हुआ आयोजन और कुपोषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर में। इसी के साथ ही आज का ये द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।